शतायु जीवन के व्यायाम भाग दो। योग गुरु BK.S. अयंगर का कहना है कि योग केवल हमारे देखने के तरीके को ही नहीं बदलता, ये देखने वाले को भी बदल देता है। जी हाँ दोस्तों, योग सिर्फ एक कसरत नहीं है, ये काम है और ये आध्यात्मिक अभ्यास का बिंदु है जो हमें अपने दिल को खोलने और हमारी जागरूकता पर ध्यान केंद्रित करने के लिए सिखाता है, ताकि हम जान सकें कि हम पहले से क्या जानते हैं और हमें अभी क्या सीखना बाकी है। जापान के साथ साथ पश्चिम में भी लोकप्रिय योग लगभग कोई भी कर सकता है। इसके कुछ पोजेस गर्भवती महिलाओं और शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों के लिए भी अनुकूलित किए गए हैं। यूं तो योग प्राचीन भारत की देन है, जहां इसे हमारे मानसिक और शारीरिक तत्वों को एकजुट करने के लिए सदियों पहले विकसित किया गया था, लेकिन आज ये विश्व के हर कोने में प्रसिद्ध हो चुका है। योग शब्द स्वयं संस्कृत शब्द योग से आया है। चोस क्रॉस पीस को संदर्भित करता है, चोन जानवरों को एक दूसरे से बांधता है जो किसी गाड़ी को खींच रहे होते हैं। योग शरीर और मन को उसी तरह जोड़ने का प्रयास करता है जो हमें अपने आसपास की दुनिया के साथ एक स्वस्थ जीवन शैली की ओर ले जाता है। योग के मुख्य उद्देश्य हैं अपनी मानव प्रकृति के करीब पहुंचने के लिए मानसिक और शारीरिक शुद्धि, और योग की दिव्य शैलियों को करीब लाने के लिए सभी समान लक्ष्यों की ओर उन्मुख होना। जिन परंपराओं और ग्रंथों से उन्हें विकसित किया गया था, उनके हिसाब से योग के कई अलग अलग प्रकार होते हैं, जैसे कि ज्ञान योग, ज्ञान का योग, अनुशासन और मानसिक विकास की खोज के लिए उपयुक्त। कर्म योग कार्यों और कर्तव्यों पर ध्यान केंद्रित करता है जो स्वयं को और अपने समुदाय को लाभान्वित करते हैं। कुंडलिनी योग वांछित मानसिक स्थिति तक पहुंचने के लिए विविध चरणों को जोड़ता है। राजयोग जिसे शाही पथ के रूप में भी जाना जाता है, स्वयं और दूसरों के साथ एकता प्राप्त करने की दिशा में कई कदम इसमें शामिल हैं। हठ योग पश्चिम और जापान में सबसे व्यापक रूप, संतुलन की तलाश में संयुक्त आसन या पोज द्वारा विशेषता। ताइची ताइची एक चीनी मार्शल आर्ट है जिसे बौद्ध धर्म और कन्फ्यूशियवाद से भी सैकड़ों साल पहले खोजा जा सकता है। ये कला जापान में भी बहुत लोकप्रिय है। चीनी परंपरा के अनुसार ये ताओवादी मास्टर और मार्शल आर्ट व्यवसायी झान सैनफेंग द्वारा बनाया गया था। हालांकि ये यांग लूचन ही थे जो 19वीं शताब्दी में इस रूप को दुनिया के बाकी हिस्सों में लेकर आए। ताइची मूल रूप से एक निजिया या आंतरिक मार्शल आर्ट थी, जिसका अर्थ ये है कि इसका लक्ष्य केवल व्यक्तिगत विकास करना था। आत्मरक्षा पर केंद्रित ये उन लोगों के सीखने की कला है जो कम से कम बल का उपयोग करके और अपनी चपलता पर भरोसा करके अपने विरोधियों को हराने के लिए इसका अभ्यास करते हैं। ताई ची, जिसे शरीर और मन को ठीक करने के साधन के रूप में भी देखा जाता था, का उपयोग स्वास्थ्य और आंतरिक शांति को बढ़ावा देने के लिए कई बार किया गया। अपने नागरिकों को अधिक सक्रिय होने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए जब चीनी सरकार ने इसे एक अभ्यास के रूप में बढ़ावा दिया, तो इसने मार्शल आर्ट से अपना मूल संबंध खो दिया और उसके बजाय सभी के लिए स्वास्थ्य और कल्याण का स्रोत बन गया। क्यूई गोंग को ची कुंग के नाम से भी जाना जाता है। इसका नाम क्यूई यानी जीवन शक्ति या ऊर्जा और गोंग यानी कार्य को जोड़कर बना है, और ये दर्शाता है कि ये रूप व्यक्ति की जीवन शक्ति के साथ काम करता है। हालांकि अपेक्षाकृत आधुनिक, विशेष रूप से अपने वर्तमान नाम के तहत, चिगोंग की कला ताओ यिन पर आधारित है, जो एक प्राचीन कला है जो मानसिक और शारीरिक कल्याण को बढ़ावा देती है। इसका अभ्यास 20वीं शताब्दी की शुरुआत में प्रशिक्षण और मार्शल आर्ट की रिपोर्टों में दिखाई देने लगा और 1930 के दशक तक अस्पतालों में इसका इस्तेमाल किया जाने लगा। चीनी सरकार ने बाद में इसे लोकप्रिय बनाया, जैसा कि उसने ताई ची के साथ किया था। ची कुंग में स्थिर और गतिशील शारीरिक व्यायाम शामिल हैं, जो खड़े, बैठे या झुकी हुई स्थिति में श्वसन को उत्तेजित करते हैं। ची कुंग की कई अलग अलग शैलियां हैं, लेकिन वो सभी ची को सुदृढ़ और पुनः जीवित करना चाहते हैं। हालांकि इसकी चाल आमतौर पर कोमल होती है, लेकिन अभ्यास बहुत तीव्र होता है। कई अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक अध्ययनों के अनुसार चिगोंग जैसे ताइची और योग महत्वपूर्ण स्वास्थ्य लाभ प्रदान कर सकते हैं, जैसे कि 1. मस्तिष्क तरंगों का संशोधन, 2. सेक्स हार्मोन का बेहतर संतुलन, 3. दिल के दौरे से मृत्यु दर में कमी, 4. उच्च रक्तचाप के रोगियों में निम्न रक्तचाप, 5. बुढ़ापे से जुड़े लक्षणों में कमी, 6. शारीरिक कार्यों का अधिक संतुलन और दक्षता, 7. मस्तिष्क में रक्त के प्रवाह में वृद्धि और मन शरीर का बेहतर संबंध, 8. बेहतर हृदय क्रिया, और 9.
कैंसर के उपचार के प्रभावों में कमी। जापान में बेहद प्रसिद्ध इन कलाओं के अभ्यास ने यह सिद्ध कर दिया है कि इनसे हम केवल आकार में ही नहीं रहते हैं, बल्कि ये हमारे जीवन का विस्तार करने में भी मदद करता है। इकिगाई की खोज पर हमारी ये चर्चा अभी कायम है, आप कहीं मत जाइएगा। दृढ़ता और वाबी साबी। एक बात जो स्पष्ट रूप से परिभाषित इकिगाई वाले सभी लोगों में समान है वो ये है कि वो अपने जुनून का पीछा करते हैं, चाहे कुछ भी हो। वो कभी हार नहीं मानते, तब भी जब उनके सामने समस्याओं का ढेर लगा हो या वो एक के बाद एक बाधाओं का सामना कर रहे हो। हम लचीलेपन के बारे में बात कर रहे हैं, एक अवधारणा जो मनोवैज्ञानिकों के बीच प्रभावशाली हो गई है। लेकिन लचीलापन केवल दृढ़ रहने की क्षमता नहीं है, जैसा कि हम इस अध्याय में देखेंगे, ये एक दृष्टिकोण भी है जिसे हम जीवन में महत्वपूर्ण चीजों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए विकसित कर सकते हैं, न कि जो सबसे जरूरी है, और खुद को नकारात्मक भावनाओं से दूर रखने के लिए। अध्याय के अंतिम भाग में हम ऐसी तकनीकों का पता लगाएंगे जो लचीलेपन से परे जाकर एंटी फ्रेजिलिटी पैदा करती है। हम सभी को कठिन क्षणों का सामना करना पड़ता है, और जिस तरह से हम इसे करते हैं वो हमारे जीवन की गुणवत्ता में बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। जीवन के उतार चढ़ाव का सामना करने के लिए हमारे मन, शरीर और भावनात्मक लचीलेपन के लिए उचित प्रशिक्षण आवश्यक है। लचीलापन असफलताओं से निपटने की हमारी क्षमता है। हम जितने अधिक लचीले होंगे उतना ही आसान होगा कि हम अपने आप को ऊपर उठाएं और अपने जीवन को अर्थ देने वाली चीजों पर वापस जाएं। लचीले लोग जानते हैं कि निराश हुए बिना अपने उद्देश्यों पर, किन मामलों पर केंद्रित रहना है। उनका लचीलापन उनकी ताकत का स्रोत है। वो जानते हैं कि परिवर्तन और भाग्य के उलट होने के लिए कैसे अनुकूलित किया जाए। वो उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जिन्हें वो नियंत्रित कर सकते हैं, और उन चीजों के बारे में चिंता नहीं करते जिन्हें वो नहीं कर सकते। आइए जानते हैं कि किस तरह बौद्ध धर्म और रूढ़िवाद के माध्यम से अपने अंदर भावनात्मक लचीलेपन का अनुभव किया जा सकता है। सिद्धार्थ गौतम बुद्ध कपिलवस्तु नेपाल के एक राजकुमार के रूप में पैदा हुए थे और एक महल में पले बढ़े जो धन से घिरा हुआ था। 16 साल की उम्र में उन्होंने शादी कर ली और उनका एक बेटा भी हुआ। अपने परिवार की संपत्ति से संतुष्ट न होकर 29 साल की उम्र में उन्होंने एक अलग जीवन शैली का प्रयास करने का फैसला किया और एक तपस्वी के रूप में रहने के लिए महल से भाग गए। लेकिन वो तपस्या नहीं थी जिसकी उन्हें तलाश थी, इसलिए उन्हें वो शांति और खुशी नहीं मिल पाई जिसकी उन्हें अपने लिए चाह थी। न तो धन और न ही अत्यधिक तपस्या ने उनके लिए काम किया। उन्होंने महसूस किया कि एक बुद्धिमान व्यक्ति को जीवन के सुखों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। एक बुद्धिमान व्यक्ति इन सुखों के साथ रह सकता है, लेकिन उसे हमेशा इस बात के प्रति सचेत रहना चाहिए कि इन सुखों द्वारा किसी को भी गुलाम बनाना कितना आसान है। सिटियम के जेनू ने भी इसी तरह सन्यासियों के साथ अपनी पढ़ाई शुरू की। सभी सांसारिक सुखों को पीछे छोड़ते हुए उन्होंने भी तपस्वी जीवन व्यतीत करने की ठानी। वो गलियों में भिक्षा मांगते घूमते, और उनके पास उनके शरीर पर पहने हुए कपड़ों के सिवाय और कुछ न था। थोड़े समय में ही जेनो को यह एहसास हुआ कि ये राह उनके लिए नहीं है, और उन्होंने स्टोइकिज्म के पढ़ाए जा रहे पाठ को सीखने का विचार किया। स्टोइकिज्म को खोजने के लिए उन्होंने अपनी शिक्षाओं को छोड़ दिया जो इस विचार पर केंद्रित हैं कि तब तक जीवन के सुखों का आनंद लेने में कुछ भी गलत नहीं है जब तक कि वो आपके जीवन पर नियंत्रण नहीं करते। आपको एक आनंदमय जीवन जीने का पूरा अधिकार है, लेकिन साथ ही आपको उन सुखों के गायब होने के लिए भी तैयार रहना होगा। लक्ष्य हमारे जीवन से सभी भावनाओं और सुखों को खत्म करना नहीं है, बल्कि नकारात्मक भावनाओं को खत्म करना है। उनकी स्थापना के बाद से बौद्ध धर्म और स्टोइकवाद दोनों का एक उद्देश्य आनंद, भावनाओं और इच्छाओं को नियंत्रित करना रहा है। हालांकि ये दोनों दर्शन बहुत अलग हैं, लेकिन फिर भी इन दोनों का ही उद्देश्य हमारे अहंकार को रोकना और हमारी नकारात्मक भावनाओं को नियंत्रित करना है। स्टोइकिज्म और बौद्ध धर्म दोनों ही अपने मूल में भलाई के अभ्यास के तरीके हैं। स्टोइकिज्म के अनुसार हमारे सुख और इच्छाएं समस्या नहीं है, हम उनका आनंद तब तक ले सकते हैं जब तक वो हम पर नियंत्रण नहीं रखते। स्टोइक्स ने उन लोगों को देखा जो अपनी भावनाओं को सुदृढ़ी के रूप में नियंत्रित करने में सक्षम थे। गुणी व्यक्ति का उद्देश्य शांति की स्थिति तक पहुँचना है, चिंता, भय, प्रेम, शांति और सकारात्मक भावनाओं की उपस्थिति। कृतज्ञता, अपने दिमाग को सदाचारी रखने के लिए स्टोइक्स ने नकारात्मक दृश्य की तरह कुछ अभ्यास किया। उन्होंने सबसे बुरी चीज की कल्पना की जो कि तैयार होने के लिए हो सकती है, यदि कुछ विशेषाधिकार और सुख उनसे लिया गया हो।
नकारात्मक दृश्य का अभ्यास करने के लिए हमें नकारात्मक घटनाओं पर चिंतन करना होगा, लेकिन उनकी चिंता किए बिना। स्टोइकिज्म और बुद्धिज्म दोनों में ही अच्छी जीवन शैली पर जोर दिया जाता है। जो बातें हमारे नियंत्रण में नहीं है उनकी चिंता करने से कोई लाभ नहीं। हमें ये पता होना चाहिए कि हम कौन सी चीज बदल सकते हैं और कौन सी नहीं। इस जानकारी से हमें नकारात्मक भावनाओं को रोकने में मदद मिलेगी। दृढ़ लोगों को ये पता होता है कि कभी भी निराशा का शिकार न होते हुए अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करते हुए कैसे जीना है। हम जितनी जल्दी अपनी समस्याओं का सामना करेंगे उतनी ही जल्दी वहां से बाहर निकल पाएंगे। अर्थपूर्ण जीवन जीने का इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। इकिगाई में आगे और क्या है ये जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहें। नकारात्मकता से बचें। नकारात्मकता से बचते हुए अपनी राह में आने वाली चुनौतियों का सामना कैसे करें। नकारात्मक दृश्य और नकारात्मक भावनाओं को महत्व न देने के अलावा रूढ़िवाद का एक और केंद्रीय सिद्धांत ये जानना है कि हम क्या नियंत्रित कर सकते हैं और क्या नहीं। जैसा कि हम शांति प्रार्थना में देखते हैं, जो चीजें हमारे नियंत्रण से बाहर हैं, उनके बारे में चिंता करने से कुछ हासिल नहीं होता। हमें इस बात की स्पष्ट समझ होनी चाहिए कि हम क्या बदल सकते हैं और क्या नहीं, जो बदले में हमें नकारात्मक भावनाओं के आगे झुकने का विरोध करने की अनुमति देगा। एपिक्टेटस के शब्दों में, ये मायने नहीं रखता कि आपके साथ क्या होता है, बल्कि ये मायने रखता है कि आप इस पर कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। बौद्ध धर्म में ध्यान हमारी इच्छाओं और भावनाओं के बारे में जागरूक होने का एक तरीका है और इस तरह खुद को उनसे मुक्त करता है। ये केवल मन को विचारों से मुक्त करने का प्रश्न नहीं है, बल्कि इससे हमारे विचारों और भावनाओं को उनके द्वारा बहकाए बिना, जैसे वो प्रकट होते हैं, उनका अवलोकन करना शामिल है। इस तरह हम अपने मन को प्रशिक्षित करते हैं कि क्रोध, ईर्ष्या या आक्रोश में न बहें। बौद्ध धर्म में सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाले मंत्रों में से एक नकारात्मक भावनाओं को नियंत्रित करने पर केंद्रित है, ओम मणि पद्मे हुम, जिसका अर्थ है अहंकार, द्वेष और लोभ को नष्ट करके संयम और ज्ञान में वृद्धि हो। लचीलापन पैदा करने का एक और उपाय ये जानना है कि किस समय में रहना है। बौद्ध धर्म और स्टोइकवाद दोनों हमें याद दिलाते हैं कि वर्तमान ही वो सब कुछ है जो मौजूद है, और ये एकमात्र ऐसी चीज है जिसे हम नियंत्रित कर सकते हैं। अतीत या भविष्य की चिंता करने के बजाय हमें चीजों की वैसे ही सराहना करनी चाहिए जैसे वो इस समय वर्तमान में है। एकमात्र क्षण जिसमें आप वास्तव में जीवित रह सकते हैं वो वर्तमान क्षण है, ऐसा बौद्ध भिक्षु थिच नहत हान कहते हैं। यहां और अभी में रहने के अलावा स्टोइक्स हमारे आसपास की चीजों की अस्थिरता पर चिंतन करने की सलाह देते हैं। रोमन सम्राट मार्कस ऑरेलियस ने कहा था कि जिन चीजों से हम प्यार करते हैं वो एक पेड़ के पत्तों की तरह हैं, वो हवा के झोंके से किसी भी समय गिर सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हमारे आसपास की दुनिया में परिवर्तन अचानक नहीं होता, बल्कि ब्रह्मांड के सार का हिस्सा है, वास्तव में एक बौद्ध धारणा है। देखिए, हमें ये कभी भी भूलना नहीं चाहिए कि हमारे पास जो कुछ भी है और जिन लोगों से हम प्यार करते हैं वो किसी ना किसी बिंदु पर गायब हो जाएंगे। ये कुछ ऐसा है जिसे हमें ध्यान में रखना चाहिए, लेकिन निराशावाद के आगे झुके बिना, समझे। चीजों की नश्वरता के प्रति जागरूक होने से हमें दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। यह हमें वर्तमान क्षण और हमारे आसपास के लोगों से प्यार करने में मदद करता है। सभी चीजें मानव, अल्पकालिक और विनाशकारी हैं। सेनेका हमें बताती है, संसार की अस्थायी, अल्पकालिक और अस्थायी प्रकृति केवल बौद्ध अनुशासन के केंद्र में है। इसे हमेशा ध्यान में रखने से हमें नुकसान के समय अत्यधिक दर्द से बचने में मदद मिलती है। क्षण भंगुर, अस्थिर और सदा बदलने वाला ये जग बौद्ध शिक्षा का केंद्र बिंदु है। इस बात को याद रखने से किसी भी सांसारिक चीज के खो जाने या दूर जाने की वजह से दुख नहीं होता है। वबी सभी एक जापानी अवधारणा है जो हमें अपने आसपास की दुनिया की क्षण भंगुर, परिवर्तनशील और अपूर्ण प्रकृति की सुंदरता दिखाती है। पूर्णता में सुंदरता की तलाश के बजाय हमें इसे उन चीजों में देखना चाहिए जो त्रुटिपूर्ण हैं, अधूरी हैं। यही कारण है कि जापानी इस तरह का मूल्य रखते हैं।
उदाहरण के लिए एक अनियमित या टूटा हुआ प्याला। केवल वही चीजें जो अपूर्ण और क्षणिक हैं वास्तव में सुंदर हो सकती हैं, क्योंकि केवल वो चीजें ही प्राकृतिक दुनिया से मिलती जुलती हैं। परिपूर्णता में सुंदरता खोजना कोई बड़ी बात नहीं है। किसी चटके हुए बर्तन में सुंदरता खोजना एक कला है। इसलिए जापान के लोग हमेशा ऐसी कहावतें टूटे हुए कप पर या अपूर्ण चीजों पर लिख कर रखते हैं। उनका मानना है कि अपूर्ण, क्षणिक और दोषयुक्त चीजें असल में सुंदर होती हैं, क्योंकि कुदरत भी ऐसी ही है। एक पूरक जापानी अवधारणा इचिको इची ए है, जिसका अनुवाद इस प्रकार किया जा सकता है, ये क्षण केवल अभी मौजूद है और ये फिर से नहीं आएगा। ये अक्सर सामाजिक समारोह में एक अनुस्मारक के रूप में सुना जाता है कि हर मुलाकात, चाहे दोस्तों, परिवार या अजनबियों, किसी के भी साथ हो, अद्वितीय होती है और कभी भी दोहराई नहीं जाएगी। जिसका अर्थ है कि हमें उस पल का आनंद लेना चाहिए और भविष्य या अतीत की चिंताओं में खुद को खोना नहीं चाहिए। इस अवधारणा का उपयोग आमतौर पर चाय के लिए इकट्ठा होने पर या जेन मेडिटेशन के समय या और जापानी मार्शल आर्ट के ठिकानों पर तो अवश्य ही किया जाता है, जहां सभी लोगों से वर्तमान में जीने पर जोर देने को कहा जाता है। जापानी संस्कृति ने यह भी स्वीकारा है कि इंसान का जीवन और उसकी बनाई सभी चीजें क्षणभंगुर हैं। कितनी अद्भुत बात है ना। आगे की चर्चा को सुनने के लिए आप बने रहें हमारे साथ। अपना ध्यान रखें। जापानी लोगों का ऐसा मानना है कि हर एक के जीवन का एक इकिगाई होता है। शायद बाकी के दार्शनिक इसे जीवन का उद्देश्य कहेंगे या किसी और नाम से पुकारेंगे। इकिगाई हम सब के अंदर छुपा होता है। कुछ लोगों को ये इकिगाई मिल जाता है, कुछ लोग पूरा जीवन इसकी खोज में लगा देते हैं। अपना ध्यान रखते और अपनी परवाह करते हुए खुद को किसी भी किस्म के नुकसान और दुख से कैसे बचाया जाए, हम और अधिक एंटी फ्राजाइल कैसे हो सकते हैं, अपने आप को शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक चोट से कैसे सुरक्षित रखा जाए, हम सभी के मन में कभी ना कभी ये सवाल जरूर आता है ना। चाहे हमारे जीवन में कुछ भी घट रहा हो, और ये बहुत ही स्वाभाविक भी है। अब हम इस किताब के लगभग आखिरी के चरण तक आ गए हैं, तो आइए जानते हैं कि किस तरह हम अपने आप को तकलीफ पहुंचाने से बच सकते हैं। पहली बात तो ये याद रहे कि आप अपने लिए हमेशा कुछ एक्स्ट्रा बनाएं या जोड़ कर रखें। सिर्फ एक वेतन से धन अर्जित करने के बजाय अपने शौक से अन्य नौकरियों में या अपना खुद का व्यवसाय शुरू करके पैसे कमाने का एक तरीका खोजने का प्रयास करें। यदि आपके पास केवल एक वेतन है तो हो सकता है कि आपके नियोक्ता को परेशानी में पड़ने पर आपके पास कुछ भी ना बचाओ जिससे आप नाजुक स्थिति में हो। दूसरी ओर यदि आपके पास कई सारे विकल्प हैं और आप अपनी प्राथमिक नौकरी खो देते हैं तो ऐसा हो सकता है कि आप अपनी माध्यमिक नौकरी के लिए अधिक समय समर्पित कर दें और शायद इससे ज़्यादा पैसा कमाएं। आपने दुर्भाग्य के उस झटके को हरा दिया होगा और उस स्थिति में आप बन जाएंगे एंटी फ्राजाइल। ओगिमी में हमने जिन वरिष्ठों का साक्षात्कार लिया उनमें से 100% का प्राथमिक और द्वितीयक व्यवसाय था। उनमें से अधिकांश ने एक सब्जी के बगीचे को दूसरी नौकरी के रूप में रखा हुआ था और अपनी उपज को स्थानीय बाजार में बेच दिया करते थे। दोस्ती और व्यक्तिगत हितों पर भी यही विचार फिट बैठता है। जैसा कि कहा जाता है, डोंट कीप ऑल योर एग्स इन द सेम बास्केट, यानी अपने सभी अंडे एक टोकरी में नहीं रखने चाहिए, अपने लिए कुछ अलग भी रखना चाहिए। रोमांटिक रिश्तों के क्षेत्र में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपनी सारी ऊर्जा अपने पार्टनर पर लगाते हैं और उसे अपनी पूरी दुनिया बना लेते हैं। यदि रिश्ता नहीं चलता तो वो लोग सब कुछ खो देते हैं, जबकि अगर उन्होंने रास्ते में मजबूत दोस्ती और पूर्ण जीवन की खेती की हो तो वो रिश्ते के अंत में आगे बढ़ने के लिए एक बेहतर स्थिति में होंगे। इसे ही एंटी फ्राजाइल होना कहते हैं। अच्छा, अभी आप सोच रहे होंगे मुझे एक से अधिक वेतन की आवश्यकता नहीं है और मैं उन मित्रों से खुश हूँ जो मेरे पास हमेशा रहे हैं, मुझे कुछ नया क्यों जोड़ना चाहिए। ये हमारे जीवन में बदलाव लाने के लिए समय की बर्बादी की तरह लग सकता है, क्योंकि असाधारण चीजें आमतौर पर नहीं होती हैं। हम अपने आराम के क्षेत्र में कभी भी फिसल सकते हैं। कभी ना कभी कुछ अप्रत्याशित हमेशा होता रहता है, कभी जल्दी से तो कभी देर से। दूसरी बात, कुछ क्षेत्रों में रूढ़िवादी रूप से दाव लगाएं और दूसरों में कई छोटे जोखिम उठाएं। इस अवधारणा को समझाने में वित्त की दुनिया बहुत उपयोगी साबित होती है। देखिए, यदि आपके पास $10,000 बचे हुए हैं तो आप उनमें से $9,000 को एक इंडेक्स फंड या सावधि जमा में डाल सकते हैं।
और शेष $1,000 को 10 स्टार्टअप में निवेश कर सकते हैं जिसमें बड़ी विकास क्षमता है। प्रत्येक में $100 एक संभावित परिदृश्य ये है कि 3 कंपनियां विफल हो जाती हैं, आप $300 खो देते हैं, 3 अन्य कंपनियों का मूल्य नीचे चला जाता है, आप एक और $100 या $200 खो देते हैं, 3 का मूल्य बढ़ जाता है, आप $100 या $200 कमाते हैं और मूल्य स्टार्टअप में से एक की संख्या 20 गुना बढ़ जाती है, आप लगभग $2,000 या शायद उससे भी अधिक कमाते हैं। आप अभी भी पैसा कमाते हैं भले ही 3 व्यवसाय पूरी तरह से फेल हो जाएं। आपको हाइड्रा की तरह ही नुकसान से फायदा हुआ है। एंटी फ्रैजाइल बनने के लिए छोटे जोखिम उठाना जरूरी है जिससे हमें बड़ा इनाम मिल सकता है। खुद को उन खतरों से उजागर किए बिना जो हमें डुबा सकते हैं, जैसे कि किसी ऐसे संदिग्ध फंड में $10,000 का निवेश करना जो सुनने में कोई प्रतिष्ठित कंपनी का लग रहा था और जिसे हमने अखबार में विज्ञापित होते हुए देखा था। और तीसरी बात, उन चीजों से छुटकारा पाएं जो आपको नाजुक बनाती हैं। हम इस अभ्यास के लिए नकारात्मक मार्ग अपना रहे हैं। अपने आप से पूछें, क्या मुझे कमजोर बनाता है? कुछ लोग, चीजें और आदतें हमें नुकसान पहुंचाती हैं और हमें कमजोर बनाती हैं। वो कौन है और क्या है? जब हम अपने नए साल के संकल्प करते हैं तो हम अपने जीवन में नई चुनौतियों को जोड़ने पर जोर देते हैं। इस तरह का उद्देश्य होना बहुत अच्छा है, लेकिन यह अस्थायी लक्ष्य निर्धारित करने का और भी बड़ा प्रभाव हो सकता है। उदाहरण के लिए, भोजन के बीच में नाश्ता करना बंद कर दें, सप्ताह में केवल एक बार मिठाई खाएं, धीरे धीरे सभी कर्जों का भुगतान करें, नकारात्मक लोगों के साथ समय बिताने से बचें, उन चीजों को करने में समय बिताने से बचें जो हमें पसंद नहीं है सिर्फ इसलिए कि हम उन्हें करने के लिए बाध्य महसूस करते हैं। फेसबुक को दिन में 20 मिनट से अधिक का समय न दें। विपरीत परिस्थितियों से न डरें, क्योंकि प्रत्येक झटका विकास का एक अवसर है। यदि हम एंटी फ्रैजाइल रवैया अपनाते हैं तो हम अपनी जीवन शैली को परिष्कृत करते हुए और अपना इकिगाई पर ध्यान केंद्रित करते हुए हर झटके के साथ मजबूत होने का रास्ता खोज लेंगे। एक या दो बार नुकसान होने को आप चाहें तो एक दुर्भाग्य मान लें या एक अनुभव के रूप में उसे स्वीकार कर लें, जिसे हम अपने जीवन के सभी क्षेत्रों में लागू कर सकते हैं, क्योंकि हम लगातार सुधार करते हैं और नए और बेहतर लक्ष्य निर्धारित करते हैं। जीवन शुद्ध अपूर्णता है, जैसा कि वबी सभी का दर्शन हमें सिखाता है। और समय बीतने से हमें पता चलता है कि सब कुछ क्षण भंगुर है, लेकिन अगर आपको अपनी इकिगाई की स्पष्ट समझ है तो प्रत्येक क्षण में इतनी संभावनाएं होंगी कि ये लगभग अनंत काल की तरह प्रतीत होगा। ऐसी ही अन्य खूबसूरत बातों को जानने के लिए बने रहें हमारे साथ। जीवन जीने की कला। अब हम हेक्टर गार्सिया और फ्रांसेस्क मोरालेस की लिखी इस बेहद लोकप्रिय और प्रेरणादायी किताब इकिगाई के अंतिम चरण पर पहुंच गए हैं। जैसा कि आपने जाना, इस किताब में जापानी जीवन दर्शन और उससे जुड़ी उन सभी सकारात्मक बातों का जिक्र है जो हमें एक अच्छा जीवन जीने को प्रेरित करती हैं। इस सफर में आगे बढ़ते हैं। इकिगाई को 4 अलग अलग तत्वों के बीच एक चौराहे के रूप में वर्णित किया जा सकता है। आप किसके बारे में भावुक हैं, जहां आपके कौशल निहित हैं, आप कैसे अपनी जीविका कमाते हैं और दुनिया को आपसे क्या चाहिए। 20वीं सदी में मित्सुओ आयदा नाम के एक प्रसिद्ध कैलीग्राफर और कवि हुए हैं जिन्होंने इकिगाई को अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया था। शैडो कैलीग्राफी ब्रश की सहायता से उन्होंने 17 कविताएं लिखी और इकिगाई के प्रति अपनी भावनाओं को जाहिर किया। उनकी ज्यादातर कविताएं वर्तमान पल का महत्व बताने वाली थी। उनकी एक कविता का भावार्थ ना कुछ यूं है, अभी इस पल में मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज यदि कोई है तो वो है तुम्हारा अस्तित्व। सुंदर है ना? एक अन्य कविता में वो लिखते हैं, यहीं अभी। इन दो शब्दों में सिर्फ एक कविता ही नहीं बल्कि एक कलाकृति है जो ये दर्शाती है कि इस विश्व में कोई भी वस्तु सदा के लिए नहीं रहती। और अक्सर इस विचार को समझ लेने के बाद हमारे अंदर की निराशा नष्ट हो जाती है। अपनी एक और कविता के माध्यम से वो कहते हैं कि बिना रास्ता बदले सदा चलती रहो। देखिए, एक बात समझ लीजिए, एक बार आपको आपका इकिगाई मिल गया तो उस पर ध्यान देकर उसे हर दिन पोषित करने से ही जीवन का असली अर्थ पता चलता है। एक बार आपको अपने जीवन का उद्देश्य पता चल जाए तो हर पल प्रवाह में रहने से आपको जीवन में वैसा ही आनंद प्राप्त होता है
जैसा किसी चित्रकार को अपने कैनवस में रंग भरते समय होता है। अपने मन के कालेपन पर बनाई गई छवि ही काफी है आपके पूरे जीवन को खुशी और उल्लास से भरने के लिए। सालों तक सिर्फ सुशी बनाने वाला शेफ भी ऐसी ही खुशी महसूस करता है। लिखने वाले तो हजारों पन्नों की किताब लिख डालते हैं, वो भी एक के बाद एक, क्योंकि इसी कार्य में उनका इकिगाई छिपा होता है। इसकी दूसरी ओर कई बार हमें लगता है कि अपनी पसंद का काम मिल गया है हमें, लेकिन कुछ दिन बाद उसे करने के बाद हम कोई दूसरा काम ढूंढने लग जाते हैं। ये व्यवसाय या नौकरी कुछ भी हो सकता है। अगर हमारी लॉटरी लग जाए और हम एक बहुत बढ़िया कार अपने लिए खरीद लें तो हम खुद को बहुत भाग्यशाली समझने लगते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद उसमें भी निराशा महसूस होने लगती है और हम सोचते हैं काश और अधिक की लॉटरी लगी होती तो हम इससे भी बड़ी कार खरीद लेते। कभी लगता है हमें हमारा मनचाहा साथी मिल गया है, लेकिन कुछ दिनों बाद हमारे मन में और कल्पनाएं जन्म लेने लगती हैं। इस असंतुष्टि से पता चलता है कि हमें अभी हमारा इकिगाई नहीं मिला है। ये एक क्षणिक आनंद है, लेकिन अपने लिए खोज हमें जारी रखनी चाहिए। तो इसका निष्कर्ष ये हुआ कि हम में से हर किसी का इकिगाई अलग होता है, लेकिन हम सभी अपने जीवन का अर्थ खोजते रहते हैं। जब हम अपने इकिगाई से जुड़ जाते हैं तो हमें अपना जीवन अर्थपूर्ण लगने लगता है और काम हमें खुशी देने लगता है। जब हमारा इकिगाई से संपर्क टूट जाता है तो हमें ये जीवन निरर्थक लगने लगता है। यही कारण है कि कई लोग सब कुछ होते हुए भी प्रसन्न और संतुष्ट नहीं रह पाते। कोई ना कोई कमी हमेशा महसूस करते ही हैं, जैसे कि कोई एक खालीपन हो जिसे भरना अभी बाकी हो। उस खालीपन को शायद आपके इकिगाई का इंतजार है। आधुनिक जीवन ना हमें हमारे असली स्वभाव से दूर ले जाता है। पैसा, सत्ता, आदर सत्कार और कामयाबी हमें अपने प्राकृतिक मूल से अलग ले जाती है। हमारे लिए ज़रूरी है कि इन चीज़ों को हम खुद पर हावी न होने दें। हमारे अंदर जो उत्सुकता और सहज ज्ञान है उसको आंतरिक कंपस की तरह इस्तेमाल करें। वो हमें हमारे इकिगाई तक ले जाएगा। उसका लाभ उठाएं और अपने असली आनंद तक पहुँचें। जो चीज़ें पसंद नहीं आती हैं ना, उनसे दूर रहें। आपके अंदर जो उत्सुकता है उसे कायम रखें और जीवन के असली अर्थ की खोज करते रहें। देखिए, ऐसा नहीं है कि हर किसी के जीवन का उद्देश्य कोई बहुत बड़ा महान काम करना ही हो। कई बार सिर्फ अच्छे माता पिता या काम आने वाले पड़ोसी बनकर ही मदद करने में ही आपका इकिगाई छुपा हो सकता है। अपने इकिगाई के साथ जुड़ने के लिए कोई सटीक रणनीति की जरूरत नहीं है। जी देखिए, इस किताब के माध्यम से हमने ओकिनावा निवासियों से जो सीखा वो ये है कि हमें जो करना है उसे खोजने के बारे में बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अब जीवन कोई पहेली तो है नहीं जिसे हल करना है। सिर्फ ऐसी सोच रखें जिससे आप अपने सबसे अधिक पसंदीदा काम के साथ जुड़ें और उसी काम में व्यस्त रहें। सदा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ समारोह में शामिल होते रहें, सुखी जीवन जिएं। जब आपके जीवन का उद्देश्य बुलाने लगे तो और कुछ मायने नहीं रखेगा। यह आपको गले लगाएगा और आप इसमें खिंचे चले आएंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि आपका उद्देश्य ही आपके निर्माण का कारण है। पैसा ना एक मानव आविष्कार है और आप सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं बने हैं। आप खुश रहने के लिए, सेवा करने के लिए, दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने के लिए भी बने हैं। यही कारण है कि आपके उद्देश्य को आपकी कॉलिंग भी कहा जाता है। सचमुच आपका उद्देश्य आपको बुला रहा है। अपने चारों तरफ बनाए आराम के बुलबुले से बाहर निकलें और अपने उद्देश्य के साथ आप आगे बढ़ें। फिर जादुई रूप से देखें कि कैसे दरवाजे खुलते हैं, कैसे प्रासंगिक लोग आपके जीवन में आते हैं और आप वो सब करते चले जाते हैं जो आप करना पसंद करते हैं और करने के लिए बने हैं। जब आप एक उद्देश्यपूर्ण जीवन जीते हैं तो आप विपरीत परिस्थितियों के बावजूद खुशी से जीते हैं। इस दिलचस्प विषय पर चर्चा जारी रहेगी। आप भी बने रहें हमारे साथ। इकिगाई के 10 नियम। जी हाँ दोस्तों, अब हम इस खूबसूरत जीवन दर्शन के अंत तक आ गए हैं और जैसा कि हमने जाना, हम सभी एक लंबा, स्वस्थ और सुखी जीवन जीने की कल्पना करते हैं ना। अपने लिए एक सच्चा और अच्छा जीवन साथी मांगते हैं ना, और किसी भी प्रकार के दुख, संकट या बीमारी से बचना चाहते हैं, है ना। हम सब इस धरती पर एक पूरा जीवन सुख और संतुष्टि की खोज में बिता देते हैं और वो सुख
शांति और संतुष्टि हमें कैसे मिल सकती है, ये हमने जाना इस अनूठी और दुनिया भर में मशहूर किताब के बारे में पढ़कर, जिसका नाम है इकिगाई। और आइए चलते चलते जीवन की इस अबूझ पहेली को सुलझाने वाली इकिगाई की इस यात्रा को उन 10 नियमों के साथ समाप्त करते हैं, जिन्हें इस किताब के लेखकों ने ओकिनावा में रह रहे लंबे समय तक जीवित रहने वाले निवासियों के ज्ञान से प्राप्त किया है। 1. सक्रिय रहें, सेवानिवृत्त न हो। जो लोग उन चीजों को पीछे छोड़ देते हैं जिन्हें वो करना पसंद करते हैं और अच्छा करते हैं, वो जीवन में अपना उद्देश्य खो देते हैं। इसलिए आपकी आधिकारिक पेशेवर गतिविधि समाप्त होने के बाद भी मूल्यवान चीजों को आपको करते रहना चाहिए। प्रगति करना, दूसरों के लिए सुंदरता या उपयोगिता लाना, मदद करना और अपने आसपास की दुनिया को आकार देना बहुत महत्वपूर्ण है। 2. अपने जीवन को धीमी गति से लें। जल्दी में होना जीवन की गुणवत्ता के बिल्कुल विपरीत है। जैसा कि पुरानी कहावत है, धीरे चलो और तुम बहुत दूर जाओगे। जब हम तात्कालिकता को पीछे छोड़ते हैं तो जीवन और समय नए अर्थ ग्रहण करते हैं। याद रखिए, जल्दी का काम शैतान का। 3. पूरी तरह पेट को न भरें। जब लंबी उम्र के लिए खाने की बात आती है ना, तो कम खाना हमेशा फायदेमंद होता है। 80% नियम के अनुसार अधिक समय तक स्वस्थ रहने के लिए हमें खुद को स्टफ करने के बजाय, यानी खाने से पूरी तरह ठूस लेने के बजाय, अपनी भूख से थोड़ा कम खाना चाहिए। और अगर आप हफ्ते में 5 दिन खाकर 2 दिन उपवास कर सके, वाह, तो फिर बात ही क्या। पेट को आराम देने का इससे अच्छा उपाय और कुछ हो ही नहीं सकता, यकीन मानिए। 4. अपने आप को अच्छे दोस्तों से घेरें। दोस्त ना आपके लिए सबसे अच्छी दवाएं, एक अच्छी बातचीत या किसी गंभीर मसले पर चिंता व्यक्त करने के लिए, कहानियों को साझा करने के लिए जो आपके दिन को रोशन करती हैं, सलाह लेने के लिए, मौज मस्ती करने के लिए, सपने देखने के लिए, इन सभी कामों के लिए आपको अच्छे दोस्तों की जरूरत है। दूसरे शब्दों में इसी को जीना कहा गया है। 5. अपने अगले जन्मदिन के लिए ना थोड़ा सा शेप में आ जाइए। जिस तरह पानी सबसे अच्छा होता है जब वो ताज़ा बहता है और स्थिर नहीं होता, जिस शरीर में आप जीवन भर चलते हैं ना, उसे लंबे समय तक चलने के लिए दैनिक रखरखाव की आवश्यकता होती है। साथ ही व्यायाम से ऐसे हार्मोन्स मिलते हैं जो हमें खुशी का एहसास करवाते हैं। 6. मुस्कुराइए। एक हंसमुख रवैया न सिर्फ आपको बल्कि आपसे मिलने वाले हर इंसान को आराम देता है, ये दोस्त बनाने में भी मदद करता है। उन चीज़ों को पहचानना अच्छा है जो इतनी महान नहीं है, लेकिन हमें ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि संभावनाओं से भरी दुनिया में यहाँ और इस पल में होना कितने बड़े सौभाग्य की बात है। 7. प्रकृति के साथ फिर से जुड़े। जी, हालांकि इन दिनों अधिकांश लोग शहरों में रहते हैं, लेकिन मनुष्य चाहे तो खुद को प्राकृतिक दुनिया का हिस्सा बना सकता है। जी, आसान है। अपने घर में पौधे लगाएं, चिड़ियों के लिए दाना और पानी रखें, और काम के बीच में अपनी बैटरीज को रिचार्ज करने के लिए अक्सर किसी प्राकृतिक सुंदरता वाले स्थान पर घूमने जाएं। 8. धन्यवाद दें आपके पूर्वजों को, प्रकृति को, जो आपको यह हवा प्रदान करती है जिसमें आप सांस लेते हैं, और जो भोजन आप खाते हैं, आपके मित्रों और परिवार को, वो सब कुछ जो आपके दिनों को रोशन करता है और आपको जीवित रहने के लिए भाग्यशाली महसूस करवाता है। हर दिन धन्यवाद देते हुए कुछ पल बिताएं और देखिएगा कि आपकी खुशियों का भंडार इससे कैसे बढ़ता जाएगा। 9. इस पल में जिए, हर पल में जिए। अतीत पर पछतावा करना और भविष्य से डरना बंद कर दें। आज और अभी आपके पास सब कुछ है, इसे याद रखने लायक बनाएं। वैसे भी एक दिन तो देखिए ना, सब नष्ट हो ही जाना है, तो जो भी है बस यही एक पल है। 10. अपने इकिगाई को खोजें और फिर पूरे मन से उसका पालन करें। आपके अंदर एक जुनून है, एक अनूठी प्रतिभा है जो आपको होने का अर्थ देती है और आपको अंत तक अपना सर्वश्रेष्ठ साझा करने के लिए प्रेरित करती है। जीवन इससे सुंदर और कुछ नहीं, यकीन मानिए। यदि आप अब भी नहीं जानते कि आपकी इकिगाई अभी तक क्या है, तो जैसा कि विक्टर फ्रांकल कहते हैं, आपका मिशन है इसे खोजना। और हमें पूरा पूरा विश्वास है कि आप अपना इकिगाई जरूर हासिल करेंगे। आपका दिन और आने वाला जीवन शुभ हो, इसी कामना के साथ नमस्कार।